तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शोमिक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो ट्रक है ये ट्रक चलाने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, जो मेन चीज़ होता है वो कैसे आप लोग चेक कर सकते हो ये ट्रक चलाने से पहले, मतलब जो कि होता है इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल और ये सब चीज़ आप लोग मतलब कैसे चेक करते हो चेक कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा ये जो ट्रक है ये है अशोक लेलैंड की BS4 की एक ट्रक जो कि 10 टायर की है और इसका जो गियर है टोटल 10 गियर की है गाड़ी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि ये गाड़ी का आप लोग जो मोबिल है, इंजन ऑयल है, वो आप लोग कैसे चेक करते हो। सबसे पहले मतलब मैं बर्नर उठा के पूरा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इधर देख सकते हो आप लोग, इधर एक रेड कलर का लीवर होगा यहाँ पर और यहाँ पर, दो जगह पर लीवर लगा हुआ है, अरे खुले ऐसे। सबसे पहले इसको बोनट को उठाना होगा, तो इसका जो लॉक है वो ख़राब है, तो ऐसे आप लोग उठा सकते हो। और ये जो लीवर है आप लोग देख सकते हो इधर सेकंड वाला है इधर, तो ये लॉक आपको ऐसे जब खींचोगे तो ये लॉक खुल जाएगा और ये बोनट अपने आप उठ जाएगा। तो इंजन ऑयल का जो मतलब गेज है वो ये है, इंजन ऑयल गेज का ये है, मोबिल गेज देखा तुम, ये है इंजन ऑयल का गेज। तो ये है गाड़ी का इंजन ऑयल, ये पूरा इतना तक है, ये है पूरा का पूरा गेज जो आप लोग देख सकते हो, ये लिखा है फुल, ये है फुल और ये है लो, इधर लो लिखा हुआ है आप लोग अगर देख सकते हो। तो आपका जो गियर मतलब इंजन ऑयल है इसका ये दो ये का बीच में होना चाहिए इंजन ऑयल, तब आपका इंजन ऑयल जो है सही है। और इसको वापस करना है, ये जो ये देख रहे हो ये है इंजन ऑयल मतलब मापने का जगह और ये पूरा गेज इतना लंबा है। तो ये हो गया जो फर्स्ट है इंजन ऑयल। सेकंड आपको चेक करना है कूलेंट, जो गाड़ी का जो कूलेंट बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं कोई कोई, तो ये जो है ये गाड़ी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये है कूलेंट, मतलब ये जो है हेल्पर साइड के पीछे की तरफ कूलेंट के डब्बा। तो ये जो डब्बा आप लोग दिख रहे हो ये है कूलेंट के डब्बा, ये है लिखा है मैक्सिमम MAX मैक्सिमम, ये है मिनिमम, मतलब इसका और इसका बीच में आप लोगों का जो कूलेंट का जो लेवल है वो होना चाहिए। अभी इतना तक ये देख रहे हो आप लोग, ये इतना तक हिल रहा है और इसका पीछे एकदम पीछे डाला के बराबर इसमें एक टेंकी दिखा हुआ है, लगा हुआ है। और ये जो टेंकी है ये है गाड़ी का जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये ट्रॉली उठाने के लिए ये हाइड्रोलिक के डब्बा दिया हुआ है। और इसका ये गेज है, इसका गेज बिल्कुल ख़राब हो गया है, इस मतलब इधर से आप लोग देख सकते हो कि आपका टैंकी में कितना हाइड्रोलिक है। और ये है पूरा सिस्टम डाला उठाने के लिए, ये सब जो गाड़ी है ये है पावर स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो आप लोग हेल्पर साइड, ये है हेल्पर साइड और हेल्पर साइड का फर्स्ट जो टायर है, फर्स्ट टायर का अंदर में एक डब्बा दिखाई देगा आप लोगों को, ये जो डब्बा है ये है पावर स्टीयरिंग का डब्बा। तो इधर भी लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग, मैक्सिमम ये है मिनिमम, मतलब ये जो दो दाग है इसका दाग में होना चाहिए लेकिन इधर थोड़ा कम है, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये डब्बा में थोड़ा पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है वो कम है, स्टीयरिंग ऑयल, हाँ ये पावर स्टीयरिंग ऑयल। और बाकी बर्नर के नीचे मैंने इसीलिए उठाया, बर्नर के नीचे ये जो क्लच का जो सिलेंडर है अंदर की तरफ उसका ऊपर एक डब्बा दिखाई देगा आप लोगों को, ये है क्लच ऑयल, इधर भी लिखा है और मैक्सिमम ये है मिनिमम, मतलब इसके बीच में आप लोगों का जो क्लच ऑयल है वो रहना चाहिए क्लच ऑयल। और बाकी अगर ब्रेक की बात करूँ तो ये सब गाड़ी का जो ब्रेक है वो एयर प्रेशर से होता है, मतलब एयर सिस्टम ब्रेक है ये सब गाड़ी का, तो ये सब गाड़ी का जो ब्रेक का सिस्टम है उसमें ऑयल मतलब ऑयल का कोई सिस्टम नहीं है, वो एयर प्रेशर से होता है गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ आपको चेक करना है कि गाड़ी का जो कूलेंट है, सेकेंड इंजन ऑयल है और थर्ड मतलब ये सब चीज़ इतना जल्दी कमता नहीं है, ये जो दोनों चीज़ें ये है पावर स्टीयरिंग ऑयल और इधर है क्लच का ऑयल, ये दोनों इतना जल्दी मतलब कमता नहीं है, फिर भी आप लोगों को बीच बीच में चेक करना चाहिए। और बाकी अगर बात करूँ तो इसके गियर बॉक्स में गियर ऑयल होता है, ये जो 10 गियर मतलब 10 गियर की ट्रांसमिशन है इसमें गियर ऑयल भी होता है, और इसका जो डिफरेंशियल है डबल डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल में भी गियर ऑयल होता है, ये फर्स्ट वाला और पीछे की तरफ ये सेकंड वाला डिफरेंशियल।
ये दोनों डिफरेंशियल भी गियर ऑयल होता है। टंकी देख रहे हो आप लोग, ये दोनों नीचे और ये दोनों, और ये एयर की टंकी है मतलब जहाँ पे ब्रेक का एयर मतलब लोड होता है। और ये जो सिलेंडर देख रहे हो ये ब्रेक का, ब्रेक के लिए एयर के लिए है। और जो पाइप देख रहे हो पाइप के प्रेशर से एयर आता है और ब्रेक सिस्टम काम करता है। तो दोस्त ये सब मतलब यही सब आप लोगों को चेक करना है एक गाड़ी चलाने से पहले, इंजन ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, क्लच ऑयल और कूलेंट, हाइड्रोलिक, ये सब। और बाकी इसमें चेक करने वाली बात मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो गाड़ी से रिलेटेड और अगर कोई कुछ मतलब वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। और एक चीज़ आप लोगों को मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ, ये गाड़ी का पूरा मतलब 10 गियर की गाड़ी है। तो इसका जो गाड़ी ये है गाड़ी का गियर लीवर, लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो खोपड़ी है उसका मतलब टूट गया। तो गाड़ी में इसका ये है हाई साइड, ये है लो साइड, और ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक, ये बाकी स्विच, ऊपर में पंखा वंखा लगा हुआ है, ये है स्टीयरिंग, ये जो स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग है एकदम, और नीचे में है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर।